नमो नमः। मैं हूँ दीपज्योति दास। आप सभी को लर्न संस्कृत चैनल में स्वागत है। जैसे कि हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था सर्वनाम परिचय के बारे में, तो आज हम डिस्कस करेंगे धातु परिचय के बारे में। आइए प्रारंभ करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है धातु परिचय, यानी क्रिया, जो हिंदी में क्रिया बोलते हैं और अंग्रेजी में इसको वर्ब बोलते हैं। तो आइए जानते हैं क्रिया क्या होता है। किसी भी कार्य के करने या होने को क्रिया कहा जाता है। कुछ भी कार्य या फिर किसी भी कार्य को करने या होने को क्रिया कहा जाता है। जैसे पढ़ना, लिखना, खेलना, हंसना आदि, ये सब क्रिया है। कुछ भी एक्टिविटी भी बोल सकते हैं हम, कुछ भी एक्टिविटी उसको हम क्रिया बोलते हैं। पढ़ना, लिखना, खेलना, गाना, नाचना, ये सारा एक्टिविटी है। तो संस्कृत में इसी को धातु कहते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है संस्कृत में इन क्रियाओं को धातु कहते हैं तथा इनके विभिन्न प्रयोगों को धातु रूप कहा जाता है। सो ये जो धातु है, धातु यानी क्रिया, इसका संस्कृत में वचन के अनुसार इसका भेद होता है, इसका रूप अलग अलग होता है। पुरुष के अनुसार इसका रूप अलग अलग होता है। पुरुष अभी तक हम लोग ने डिस्कस नहीं किया है, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे पुरुष के बारे में। तो पहले हम जान लेते हैं ये वचन में कैसे इसका भेद होता है। इसी को जो वचन के अनुसार इसका जो भेद होता है, पुरुष के अनुसार इसका जो भेद होता है, इसका जो रूप अलग अलग होता है, इसी को कहते हैं धातु रूप। और इसका मूल जो क्रिया यानी जो एक्टिविटी, उसको कहा जाएगा धातु। ठीक है। जैसे पथ, पथ धातु, इसका मीनिंग होगा पढ़ना। लिख धातु, इसका मीनिंग होगा लिखना। हंस धातु, इसका मीनिंग होगा हंसना। जो धातु रूप है, जो मूल धातु है, इसका मैक्सिमम धातु में नीचे हलंत रहता है। बहुत सारा धातु में हलंत रहता है। कुछ कुछ अन्य धातु है जिसमें हलंत नहीं है, लेकिन ज़्यादातर धातु के नीचे हलंत हमेशा रहता है। सो इसका प्रोनाउंस भी ऐसा होगा, पथ, लिख, हस, हलंत है उसमें स्टॉप करना है। पथ मीन्स पढ़ना, लिख मीन्स लिखना, हस मीन्स हंसना। तो इसका रूप कैसा होगा, एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। पथ धातु का एकवचनम में रूप होगा पथति, द्विवचनम में पथतः, बहुवचनम में पथन्ति। पथति मीन्स एक पढ़ता है, एक कोई पढ़ता है। सपोज एक बालक पढ़ता है, एक बालिका पढ़ता है, पढ़ती है, कुछ भी एक होना पड़ेगा पर्सन। पथतः दो पढ़ते हैं, कोई दो पढ़ते हैं, बालक भी हो सकते हैं, बालिका भी हो सकते हैं, छात्र भी हो सकते हैं, छात्रा भी हो सकते हैं। पठन्ति अनेक पढ़ते हैं या फिर सब पढ़ते हैं, जो वहाँ पर मौजूद है सब पढ़ते हैं या फिर अनेक पढ़ते हैं, बहुवचन के लिए ये प्रयोग होता है। यहाँ पर सिर्फ प्रथम पुरुष का ही उल्लेख किया गया है। हम नेक्स्ट वीडियो में जब पुरुष के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तब हम ये फिर से दोहराएंगे। नेक्स्ट, अगर लिख धातु यहाँ पर लिया जाए तो क्या होगा, लिखति, लिखतः, लिखन्ति। इसका मीनिंग भी होगा ऐसा, लिखति मीन्स एक लिखता है, लिखतः मीन्स दो लिखता है, और लिखन्ति मीन्स अनेक लिखते हैं या फिर सब लिखते हैं। ठीक इसी तरह हस धातु, यहाँ पर हस धातु का रूप होगा हसति, हसतः, हसन्ति। हसति मीन्स एक हंसता है, हसतः मीन्स दो हंसते हैं, हसन्ति मीन्स अनेक हंसते हैं या फिर सब हंसते हैं। ठीक इसी तरह धातुओं का रूप वचन के अनुसार अलग अलग होता है। यहाँ पर हम लोगों ने सिर्फ वर्तमान काल ही लिया है, लेकिन काल का भी बहुत सारा भाग है, ये भी हम दूसरा वीडियो में डिस्कस करेंगे। अलग अलग कालों में, अलग अलग टेंस में, जैसे प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, पास्ट टेंस, अलग अलग टेंस में भी इस जो धातुओं का रूप है
इसका रूप भी अलग अलग होता है, इसके बारे में भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। और नीचे में लिख दिया हूँ एक, आप धातु के पहले एक सिंबल आप देख रहे हैं, एक ऐसा सिंबल आप देख रहे हैं, एक ऐसा सिंबल जैसे पथ धातु, ये होता है धातुओं का सिंबल, ये होता है धातुओं का चिन्ह, जो पथ पथ के आगे चिन्ह लगा हुआ है ये होगा पथ धातु। तब बाद में धातु नहीं लिखने से भी हमको पता चल जाएगा कि ये एक धातु है। कैसे पता चलेगा? क्योंकि इसका सिंबल से हमको पता चल जाएगा ये धातुओं का सिंबल है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ पथ धातु, लिख धातु, हस्त धातु। ठीक इसी तरह ऐसा बहुत सारा धातु है। तो मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूँ, कुछ भी क्रिया यानी कुछ भी एक्टिविटी हम जो करते हैं इसी को संस्कृत में धातु कहते हैं। धातुओं का रूप वचन के अनुसार अलग अलग होता है, काल के अनुसार अलग अलग होता है, पुरुष के अनुसार अलग अलग होता है। इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, दूसरा वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए हम धातुओं के बारे में जाना, धातु क्या है, धातु का रूप क्या है और किसको धातु कहते हैं। अभी हम कुछ चित्र सहित हम देखेंगे इसका रूप कैसा कैसा होता है। जैसे कि हम पथ धातुओं के बारे में अभी अभी डिस्कस कर चुके हैं, इसका पथ धातु अर्थ होगा पढ़ना, एकवचनम में पथति यानी पढ़ता है। आप लोग चित्र में देख रहे हैं एक बालक पढ़ रहा है, और पथतः दो लड़की पढ़ रहे हैं यानी दो पढ़ते हैं, और बहुवचनम में पठन्ति सब पढ़ते हैं। ठीक इसी तरह हस, हस धातु अर्थ होगा हंसना, एकवचनम में हसति, द्विवचनम में हसतः, बहुवचनम में हसन्ति। हसति मीन्स एक हंसता है, हसतः मीन्स दो हंसते हैं, हसन्ति मीन्स अनेक सारा हंसते हैं। ठीक इसी तरह धातु होगा धाप धातु, अर्थ मीन्स दौड़ना, इसका रूप होगा एकवचनम में धावति, द्विवचनम धावतः, बहुवचनम धावन्ति। धावति मीन्स एक दौड़ता है, धावत मीन्स दो दौड़ते हैं, धावन्ति मीन्स अनेक दौड़ते हैं। ठीक इसी तरह खाद्य धातु अर्थ होगा खाना, खादति, खादतः, खादन्ति, इसका वचन के अनुसार रूप, खादति एकवचनम में एक खाता है, खादतः द्विवचनम में दो खाते हैं, खादन्ति बहुवचनम में बहुत सारा यानी अनेक या फिर सब खाते हैं। ठीक इसी तरह वद धातु अर्थ होगा बोलना, एकवचनम में वदति, द्विवचनम में वदतः, बहुवचनम में वदन्ति। वदति मीन्स एक बोलता है, वदत मीन्स दो बोलते हैं, वदन्ति मीन्स सब बोलते हैं। ठीक इसी तरह दृष्ट धातु इसका रूप होता है पश्य, पश अर्थ होगा देखना, जैसे एकवचनम में पश्यति, द्विवचनम पश्यतः, बहुवचनम पश्यन्ति। पश्यति मीन्स एकवचनम में एक देखता है, पश्यतः दो देखते हैं, पश्यन्ति सब देखते हैं या फिर अनेक लोग देखते हैं। इसका धातु है दृश्य लेकिन इसका रूप पश जैसा होता है, इसलिए यहाँ पर पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति हुआ है। ठीक इसी तरह आप लोग देख रहे हैं जैसे धातु है नृत्य, इसका भी जो रूप होगा नृत्य ऐसा होगा, अर्थः नृत्य करना यानी नाचना, एकवचन में नृत्यति एक नाचती है, द्विवचन में नृत्यतः दो नाचते हैं, बहुवचन में नृत्यन्ति अनेक नाचते हैं। ठीक इसी तरह रक्ष धातु मीनिंग होगा रक्षा करना, एकवचन में रक्षति, द्विवचन में रक्षतः, रक्षन्ति बहुवचन में। रक्षते मीन्स एक रक्षा करता है, कौन रक्षा करता है? सैनिक लोग हमें रक्षा करता है या फिर हमारा देश को रक्षा करता है। रक्षतः दो रक्षा करते हैं, रक्षन्ति सब रक्षा करते हैं या फिर अनेक रक्षा करते हैं।
ठीक इसी तरह नित्य प्रयोग में आने वाली कुछ अन्य धातुएं हैं जो रोज हम इसको यूज करते हैं, जैसे गम धातु, इसका भी रूप गच ऐसा होगा, अर्थ होगा जाना, एकवचनम में गच्छति, द्विवचनम में गच्छतः, बहुवचनम में गच्छन्ति। एक जाता है, दो जाते हैं, अनेक जाते हैं। ठीक इसी तरह क्रीड, क्रीड धातु का अर्थ होगा खेलना, एकवचनम में क्रीडति, द्विवचनम क्रीडतः, बहुवचनम क्रीडन्ति। क्रीडति मीन्स एक खेलता है, क्रीडतः मीन्स दो खेलते हैं, क्रीडन्ति मीन्स अनेक खेलते हैं। लिख, अर्थ होगा लिखना, लिखति लिखतः लिखन्ति, लिखति मीन्स एक लिखते हैं, दो लिखते हैं, अनेक लिखते हैं। ठीक इसी तरह भू, भू धातु, इसका भी जो रूप होगा भव ऐसा होगा, जैसे मीनिंग होना, इसका एकवचनम में भवति, द्विवचनम भवतः, बहुवचनम भवन्ति। भवति मीन्स होना, भवतः मीन्स होना मीन्स होते हैं, कोई एक होते हैं, दो होते हैं, अनेक होते हैं। अस, आज धातुओं का भी मीनिंग होना या फिर है। अस्ति मीन्स एक है, स्तः मीन्स दो है, संति मीन्स बहुत सारा है। पत धातुओं का मीनिंग है गिरना, एकवचनम पतति, द्विवचनम पततः, बहुवचनम पतन्ति। पतति मीन्स एक गिरता है, पततः दो गिरता है, पतन्ति अनेक सारा गिरते हैं। ठीक इसी तरह नम, नमस्कार करना, नमति नमतः नमन्ति, एक नमन करता है या फिर नमस्कार करता है, दो नमस्कार करता है, अनेक नमस्कार करते हैं। भ्रम, घूमना, भ्रमति भ्रमतः भ्रमन्ति, भ्रमति मीन्स एक घूमते हैं, भ्रमतः दो घूमते हैं, भ्रमन्ति अनेक सारा घूमते हैं, या फिर लोग, लोग भी बोल सकते हैं, अनेक सारा लोग घूमते हैं। दा, दा धातु का जो रूप है यच जैसा होता है, अर्थ होगा देना, एकवचनम यच्छति यच्छतः यच्छन्ति। यच्छति मीन्स एक देता है, यच्छतः दो देते हैं, यच्छन्ति अनेक सारा देते हैं। पा धातु है पा, इसका भी रूप पिब ऐसा होगा, अर्थ होगा पीना, एकवचनम पीवति, द्विवचनम पीवतः, बहुवचनम पीवन्ति। पीवति मीन्स एक पीते हैं, दो पीते हैं, अनेक सारा पीते हैं। कथ, कथय ऐसा होगा इसका जो रूप, मीनिंग होगा कहना, कथयति एक कहते हैं, कथयतः दो कहते हैं, कथयन्ति अनेक कहते हैं। ठीक इसी तरह कुज धातु, कुज धातु का मतलब है कुजना, जो चिड़ियों के लिए यूज होता है, चिड़िया कूजते हैं। कूजति एक कूजते हैं, कूजतः दो कूजते हैं, कूजन्ति अनेक सारा कूजते हैं। चिड़िया का जो आवाज़ है इसको कूजना ऐसा बोलते हैं। कूज धातु जो है ये चिड़िया का आवाज़ के लिए ही प्रयोग होता है, जैसे चतका कूजति एक चिड़िया कूजते हैं, चतके कूजतः दो चिड़िया कूजते हैं, चतकाः कूजन्ति बहुत सारा चिड़िया कूजते हैं। ठीक इसी तरह हम वाक्य के साथ भी प्रयोग कर सकते हैं। वाक्य के साथ कैसे प्रयोग होगा हम दूसरा वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैं इतना ही दे दिया हूँ धातु परिचय के लिए। इसके भी अलावा बहुत सारा धातु है जो हम जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, दूसरा दूसरा चैप्टर आते रहेगा, जैसे हम वाक्य बनाते रहेंगे संस्कृत में, वाक्य का प्रयोग करते रहेंगे, ठीक इसी तरह हम अन्य अन्य धातुओं का भी प्रयोग करते रहेंगे। तो आज का जो धातु परिचय क्रिया ये चैप्टर था, यहाँ पर ही समाप्त होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक दूसरा टॉपिक के ऊपर। तब तक देखते रहिए मेरा चैनल। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।